वाटर पार्क पटना का सबसे बड़ा और बिहार का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जो बख्तियारपुर रोड सुकुलपुर पुना डी में स्थित है। यहाँ पर गाड़ी स्टैंड के 50 रुपया लगते हैं। यहाँ से आप काउंटर टिकट के लिए जा सकते हैं। काउंटर टिकट का जो प्राइस है नॉर्मल डे में 500 है और एडल्ट के लिए 700 है, लेकिन सैटरडे संडे और होली डे पे जो भी है वो 800 रुपया लगता है, 100 रुपया ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, आप टिकट रेट ऊपर देख सकते हैं। ये काउंटर अलग अलग बने हुए हैं, ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, आराम से रोक के आप देख सकते हैं प्राइस। ये हम लोग दोस्त लोग हैं अब यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। ये आपको बैंड हाथ पे लगा दिया जाएगा, ये वाटर प्रूफ होता है। यहाँ से आप लॉकर ले सकते हैं, लॉकर का प्राइस 250 रुपया होता है और 250 रुपया एक्स्ट्रा जमा लेता है, जिसमें लॉकर और ड्रेस का प्राइस सेम है, उसी में लगा रहता है। जब भी जाए तो आप मोबाइल का कवर भी ले लें, जो 200 रुपये के आसपास आता है। लॉकर इसी प्रकार का होता है, लॉक कीजिए और अपना सामान सेफ्टी के साथ इसमें डाल दीजिए। और 2-3 आदमी भी जाइए तो सेम लॉकर लीजिए, और ये उसके बाद ड्रेस चेंज कीजिए और वाटर पार्क की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ये छोटा सा पूल है, ये एरिया देख रहे हैं, ये कम दिल वालों के लिए है, जिसका दिल छोटा है, और बच्चों के लिए है। लेकिन जो अडल्ट है, जो काफ़ी एडवेंचर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आगे है, जो काफ़ी हाइट पर है। तो आप देख सकते हैं इसमें लोग किस तरह से नहा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, अपना गर्मी दूर कर रहे हैं। क्या शानदार है, देखिए ऊपर से पानी का फोर्स भी काफ़ी हाई होता है। ये स्लाइडर है, इस पर रख के आप आराम से स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल कवर में रखिएगा। हमने नहीं रखा था, इसलिए हमारा आगे का जो टूर था वो ख़राब हो गया, पानी घुस गया और वो भाप बन के कैमरा पे चिपक गया। तो आप जब भी जाएँ तो 200 रुपये का आता है, मोबाइल का कवर ले लें और उसके बाद आराम से शूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितने युवा हैं और जो भी जो गए हैं देखने के लिए या नहाने के लिए, कितना शानदार ढंग से नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये आपको अंदर है, पाइप वाला है, काफ़ी शानदार है, एडवेंचर्स पूर्ण है, काफ़ी मज़ा आएगा, आप देख सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा अंदर जाके बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, डर लगने लगता है। उस स्पीड रोकने के लिए हम लोग हाथ साइड में रखते हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए, वो काफ़ी डेंजरस होता है, या उसके आने के बाद गिर जाता है। फिर आप देखिए अंदर, ये देखिए लोग फ़ोटो लेते हैं जगह जगह पर जाके आराम से, अलग अलग सीन बना हुआ है। ये पाइप का फ़ोटो काफ़ी शानदार आता है। हाँ, ये देखिए पाइप से जो पानी गिर रहा है, जो काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे आराम से फ़ोटो वोटो खिंचाइए, मज़े कीजिए, क्योंकि ये बिहार का सबसे बड़ा पार्क है, छपाक वाटर पार्क। उनके साथ पोज लेके आप फोटो ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है बच्चों के लिए ख़ास करके है, और बड़ों के लिए जो सेक्शन है वो हम आगे दिखाएंगे, वो आने वाला है। ये सेक्शन छपाक जो है, ये बड़े वाले लोगों के लिए, अडल्ट लोगों के लिए है, और जो एडवेंचरस है, अडल्ट में भी एडवेंचरस होगा, उसके लिए है। जो काफ़ी यहाँ वहाँ से देखिए पाइप से होकर आता है, फिर ये ऊपर जाता है, वहाँ से नीचे आता है। आदमी का जो प्राण होता है वो हाथ में आ जाता है, इतना एडवेंचरस है ये। देखिए वो पीछे वाली लड़की बेहोश हो गई है वो, लेकिन आप पकड़ के रखिएगा, बाहर नहीं गिरे इसके लिए, और आराम से एंजॉय कीजिए जब भी जाइए। छुट्टी के दिन थोड़ा कम जाइएगा, प्राइस भी महंगा और भीड़ भी ज़्यादा होती है, पर एंजॉय भरपूर मिलता है। ये सबसे एडवेंचरस है, ये मुझसे नहीं हो पाया था, ये तो हम लोगों ने आराम से किया था, जितने भी दोस्त गए थे आराम से किए थे एंजॉय। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। ये वाला काफ़ी डेंजरस है, बहुत कम लोग करते हैं इसको। आप बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते रहिए। स्लाइडर में एक से एक पोज आपको दिखाया जाएगा, एक से एक सीन दिखाया जाएगा, एक से एक एडवेंचरस है, बहुत ही शानदार है। या देखो ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन की स्पीड से ये लोग आ रहे हैं। ये वाला भी काफ़ी शानदार है, और ये आदमी डूब जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि वेव में कैसे नहाए जब वेव चालू हो। तो अभी तो वेव बंद है, 5 हर 1 घंटा पे चालू होता है ये वेव। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, और जब भी जाएं तो जिसको तैरने आता हो वही बीच में जाया करें, अदरवाइज आप साइड से वेव का मज़ा ले सकते हैं, जो काफ़ी शानदार रहेगा।
और इसके बगल में ही रिंग डांस होता रहता है जो हर एक एक घंटा पे सब ऑपरेट होता है और चलता है सर। और जितने भी जो जाते हैं घूमने के लिए, नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एडवेंचरस लोग, वो काफ़ी मज़े लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या सीन हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही। और जब भी जाइए ग्रुप में जाइए, अकेला मत जाया कीजिए कि काफ़ी कभी कभी कुछ डेंजरस सीन भी होता है तो कुछ लोग रहे जो सपोर्ट कर सकें। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और ये रस्सी है ना, जब वेब चालू होता है रस्सी के उस पार नहीं जाना चाहिए। अभी तो वेब बंद है तो आप गए कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वेब चालू होता है तो इसका लगभग 5 फीट एवं ऊपर उछाल होता है। इतना शानदार है ऐसा वेव, मैं कई पूल में नहाया हूँ वाटर पार्क में, बट इतना शानदार वेव नहीं देखा हूँ। काफ़ी डेंजरस है, इसलिए इसने अपना प्राइस भी हाई रखा है। आप यहाँ पे जो भी जाते हैं वो अपना ड्रेस उनको दिया जाता है जिसका वो प्राइस रखते हैं, 50 रुपया लेता है और 100 रुपया बुक रखता है, 50 रुपया रिटर्न कर दिया जाता है। तो आप जब भी जाएँ इंजॉय कीजिए और इंजॉय का मज़ा लेते रहिए। वाटर पूल में नहाइए सावधानी पूर्वक, कभी कोई दिक्कत ना हो, आराम से। हाँ ये देखिए, इस यहीं पर मेरे मोबाइल में पानी चला गया था और हम ठीक से ध्यान नहीं दे पाए, जिसके लिए जो राजगीर गए थे, जिस वहाँ गए तो पूरा वाप बन गया और फ़ोटो वोटो नहीं ले पाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शानदार वाटर पूल का मज़ा लेते रहिए। और जितने भी एडवेंचरस है सबको आराम से कीजिए। ये पे डांस वांस लोग करते रहते हैं, काफ़ी देखने लायक है, काफ़ी शानदार होता है। ज़्यादा टाइम तो लोग वाटर पूल में ही बिताते हैं। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ से सीन देखिए काफ़ी शानदार है। ये दिखाई देता है, रेन डांस होता रहता है यहाँ पर। इसमें काफी ठंडा पानी आता है, पता ठंडा पानी लाता कहाँ से है। बने रहिए और देखते रहिए, काफी शानदार है। और इसके बाद हम आएंगे वापस, ये हमारा जाने का टाइम हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने अपना ड्रेस चेंज किया और ये निकल गए बाहर। ये देखिए हम लोग इस पोज में थे और वहाँ गए थे तो ड्रेस चेंज हो गया था। ये कुछ सावधानियाँ लिखी है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल जल्दी से करो सब्सक्राइब।